बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आमीन आमीन जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हूँ मैं आपके साथ। तो ये देख रहे हैं आप थोड़ी सी सेलिब्रेशन। तो जी, ये थी 28 अक्टूबर की मेरी वीडियो है। 28 अक्टूबर को मेरी बेटी मेहरशानम की बर्थडे थी। तो ये मैंने सुबह तकरीबन 8:30 हो रहे थे उस वक्त मैंने ये केक बनाने रख दिया। और यहाँ क्योंकि अभी मेरी सफाई नहीं हुई थी, मैं साथ साथ घर भी समेट रही थी और साथ साथ अपने काम भी कर रही थी, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे खीर बनाने रख दी थी। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि मैंने पानी में रखे हैं चावल। तो उसमें हुआ ये था कि मेरे चावल और चीनी मिक्स हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी खीर बना लूँ। तो मैंने यहाँ पर धो के इसको जो है पानी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें तकरीबन जो है वो 1 ग्लास जितना पानी डाल के इसको मैंने पकने रख दिया। जब ये गल जाएंगे तो इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर दूंगी। जी, यहाँ पे हो गए थे 12:30 और ये मेरी खीर तकरीबन रेडी हो गई थी, मेरा केक भी रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि शाम में मेरा थोड़ा सा था कि दाल चावल बनाएंगे उससे एक दिन पहले कि मेरे 27 के रात के जो है वो चावल थे, तो वो मैंने बच्चों के लिए साथ में गर्म करने के लिए रख दिए थे क्योंकि बच्चे आने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि साथ साथ ये काम भी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी चिकन आ गई थी। मैंने चिकन को धो के इस तरह से इसको मैंने कट लगा दिया, क्योंकि मैंने ये बनाने थे चिकन पीस बनाने थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको ज़रा कट लगा के मैरिनेट करके रख दूँ। तो मैंने इन्हें कट लगाया। कट लगाने के बाद मैंने इन्हें मैरिनेट किया। मेरी इसकी रेसिपी जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो बस मेरी सेम ही रेसिपी होती है। उसके बाद मैंने इसको रख दिया और तकरीबन ये 7 का टाइम था जब मैंने इसे तलने के लिए रख दिया और ये अच्छे से तल गए और उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया। तो यहाँ पे मेरी दाल भी रेडी थी, मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे और ये जी हमारी हो रही है सेलिब्रेशन। ये हमने केक रेडी कर लिया था, एक हमने पहले किया था जो स्कूल भेज दिया और दूसरा केक हमने यहाँ पर रेडी किया। तो इसको हमने सिंपल से बस जल्दी से कर लिया था क्योंकि सिस्टर भी आ गई थी और ये 7:30 हो रहे थे और उन्होंने जाना भी था। तो यहाँ पे हमने टिक्के बना लिए, दाल चावल बना लिए और साथ में कोरमा बना लिया। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि खाला भी आ गई थी और फिर सब लोग मौजूद थे, तो उनके बच्चे भी तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मेहर जो है मेहर की बर्थडे हो रही है, तो जी ये सेलिब्रेशन हमारी स्टार्ट हो गई थी। अब उसके बाद में गाना शाना भी साथ में चल रहा था और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और ये मेरी दुरे शवान हैं जो कि हमेशा की तरह अपने मुँह पे केक लगा रहेंगे। तो जी ये है थोड़ी सी ज़रा चीज़ें थी जो मेरी फ्रेंड ने बना के की बेटी ने बना के भेजी थी मेहर के लिए, गिफ्ट भेजा था। तो फिर ये सारा ही हमने डेकोरेट किया और डेकोरेट करने के बाद ये सारा जो है हमने कटिंग शटिंग की और सब, क्योंकि हमने दीवार पर नहीं लगाया था तो बस फिर हमने टेबल पर सारा सेटिंग कर दी। अच्छा जी, ये मेरा था सेलिब्रेशन और कि किस तरह से प्रिपरेशन की और फिर सेलिब्रेशन की और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।